मैं एक बड़े अर्जेंट ते बड़े एक किसाना दे बॉर्डर दे एरिए दे लोगों की गल करन दी मैनू करनी चाहुंदा, क्योंकि मेरा हलका मैं 200 किलोमीटर पाकिस्तान दे बॉर्डर दे नाल नाल चलदा है। मैं 2007 दी पॉलिसी दे किसानों नू जमीना लाड़ करतियां गईयां सीगियां, और वो जमीन जो है आज वो सरकार के उसे नोटिफिकेशन हुआ है कि उनको जो किसानों गरीबों ने पैसे दिए हुए हैं उस वो जमीन जो है उसको लीज पे देना चाहते हैं, और किसान जो है धरने पे बैठे हैं। उनके जो किसान भी हैं जिमीदार हैं जो बिल्कुल गरीब लेवल के नीचे से उतरे, और बॉर्डर के साथ साथ उनका जो गांव लगते हैं वो पूरे संघर्ष में आज सोई का पैड़ी लगने का समय चल रहा है, और जब पैड़ी लग रही है दूसरी तरफ किसानों को उजाड़ा जा रहा है। मैम इसका संक्षेप लें कि पंजाब की जो सरकार जिसने आज वो लीज पे जमीन देने को जा रहे, क्योंकि देने तो नहीं हो तो नहीं रही है लेकिन हरासमेंट हो रही है, उसको रोका जाए ताकि वो किसान जो है अपनी जमीन में अपनी फसल बोकर अपने बच्चों का अपने और वाले समय के दोनों का वो जो कारोबार जो है वो चल सके। संवैधानिक ऐसे पद होते हैं जिसका सदैव बना रहना बहुत आवश्यक होता है। संविधान में वह मैंडेटेड है लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। अनेकों ऐसे कमीशन है जिस पर अध्यक्ष नहीं है, विशेष करके मैं चार जगहों के नाम ले रहा हूं। सबसे पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स। यह सदैव इनके जो अध्यक्ष हैं या अध्यक्ष नहीं है यह सदैव भरे हुए रहने चाहिए, क्योंकि यह सिविल कोर्ट का भी काम करते हैं। लोग अपने अपने अलग अलग शिकायतें लेकर आते हैं जिस पर जांच होती है, यह सिविल कोर्ट का काम करते हैं और तुरंत इस पर न्याय मिलता है। लेकिन सबका साथ सबका विकास वाली ये पार्टी, इनके लोग खुद कहते हैं जो हमारे साथ है वही हम उनका विकास होगा बाकियों का नहीं होगा। आज ऐसी परिस्थिति में सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है आप 400 पार पर संविधान बदलना चाहते थे, क्या उसकी खीज आप लोग आज उतार रहे हैं इनको, जो आपने ये शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट को नहीं बनाया है, क्या कारण है यह इसको सरकार के मंत्री को यहाँ बैठकर जवाब देना चाहिए। विषय आ गया कि आपने जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर ढिंडोरा पीटा था एससी एसटी बीसी प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, कहाँ है? यहाँ तक कि एनसीएसटी के वाइस चेयरमैन भी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री से चाहूंगा, जो भी यहाँ बैठे प्रभारी मंत्री है, जवाब दे सरकार के कि इसके ऊपर वो तुरंत इसकी जो खाली जगह है रिक्त स्थान है उसको भरेंगे और संविधान को बदलने का जो दिमाग में इन्होंने फतूर रखा है उसको हटाएंगे। धन्यवाद सभापति महोदया। एक विषय जो महत्वपूर्ण है और संविधान से जुड़ा हुआ है वह लेकर आपके सामने में आया हूँ। यहाँ इस समय कौन से मंत्री हैं जो देख रहे हैं प्रभार में 0 आवर, उनको सुनना आवश्यक है। कुछ संवैधानिक ऐसे पद होते हैं जिसका सदैव बना रहना बहुत आवश्यक होता है। संविधान में वह मैंडेटेड है लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। अनेकों ऐसे कमीशन है जिस पर अध्यक्ष नहीं है, विशेष करके मैं चार जगहों के नाम ले रहा हूं, और वह वो लोग हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। Persistent neglect and disregard for constitutional mandates and support systems for socially disadvantaged sections. सबसे पहला है National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Backward Castes, National Commission for Protection of Child's Rights. यह सदैव इनके जो अध्यक्ष हैं या अध्यक्ष नहीं हैं यह सदैव भरे हुए रहने चाहिए, क्योंकि यह सिविल कोर्ट का भी काम करते हैं। लोग अपने अपने अलग अलग शिकायतें लेकर आते हैं जिस पर जांच होती है, यह सिविल कोर्ट का काम करते हैं और तुरंत इस पर न्याय मिलता है। लेकिन सबका साथ सबका विकास वाली ये पार्टी, इनके लोग खुद कहते हैं जो हमारे साथ है वही हम उनका विकास होगा बाकियों का नहीं होगा। आज ऐसी परिस्थिति में सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है आप 400 पार पर संविधान बदलना चाहते थे, क्या उसकी खीज
आप लोग आज उतार रहे हैं इनको, जो आपने ये शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट को नहीं बनाया है, क्या कारण है यह? इसको सरकार के मंत्री को यहाँ बैठकर जवाब देना चाहिए। विषय आ गया कि आपने जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर ढिंढोरा पीटा था, एससी एसटी बीसी प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स कहाँ है? यहाँ तक कि एनसीएसटी के वाइस चेयरमैन भी नहीं है। यह जानबूझकर एससी एसटी बीसी चाइल्ड प्रोटेक्शन के जितने लोग हैं, यह लोग कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि यह लोग चाहते हैं कि संविधान में बदलाव आए और ऐसे लोगों को जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको उसका न्याय नहीं मिले। इसलिए मैं मंत्री से चाहूंगा जो भी यहां बैठे प्रभारी मंत्री है, जवाब दे सरकार के कि इसके ऊपर वो तुरंत इसकी जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसको भरेंगे और संविधान को बदलने का जो दिमाग में इन्होंने फतूर रखा है उसको हटाएंगे। इनसे मैं चाहता हूं और यह कमीशन तुरंत शुरू होने चाहिए। धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री जनार्दन।